यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी को टक्कर देने के इरादे से चुनाव लड़ने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। आलम यह है कि अपने सटायर से सबको हंसाने वाले श्याम रंगीला अब खुद थोड़े गुमसुम नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अगर कोई सबसे हाई प्रोफाइल और चर्चित सीट है तो वो बिना किसी संदेह के वाराणसी लोकसभा सीट है। देश के प्रधानमंत्री मोदी यहां से मौजूदा सांसद हैं और 2024 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो पीएम मोदी को कोई खास टक्कर मिलती दिख नहीं रही थी, लेकिन कॉमेडियन श्याम रंगीला के यहां से चुनाव लड़ने और नामांकन पर्चा दाखिल करने की खूब चर्चा हो रही थी। श्याम रंगीला समय समय पर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि श्याम रंगीला बीजेपी को कुछ न कुछ ठेस जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब कॉमेडियन के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल श्याम रंगीला का पर्चा निरस्त हो गया है। जांच के बाद श्याम रंगीला का पर्चा खारिज किया गया है। वहीं पर्चा निरस्त होने के बाद श्याम रंगीला ने कहा कि हमारा यही उद्देश्य था कि हम बता सकें कि लोकतंत्र कितना खतरे में है। वहीं भावुक होते हुए श्याम रंगीला ने आगे कहा कि मैं हंसाने वाला एक कलाकार हूं, लेकिन आज कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। श्याम रंगीला ने कहा कि अब सोचता हूं कि कॉमेडी ही बेहतर क्षेत्र है, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। देश की सबसे चर्चित सीट वाराणसी से श्याम रंगीला ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। 15 मई को श्याम रंगीला को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के बाद देर शाम बाहर निकले श्याम रंगीला ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि कड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना करने के बाद हमने 14 मई को वाराणसी की लोकसभा सीट पर नामांकन पर्चा दाखिल किया था। हमने सभी कागजात और आवश्यक विषयों का ध्यान रखते हुए नामांकन किया था, लेकिन आज हमें अवगत कराया गया कि आपने नामांकन के दौरान ली जाने वाली शपथ पूरी नहीं की है, जिस वजह से आपका नामांकन पर्चा खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट पर सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी तीसरी बार उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने इस सीट पर अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। बसपा की तरफ से इस सीट पर अथर जमाल लारी प्रत्याशी हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।